शिवपुरी जिले में आज मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन और ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम शिवपुरी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियों में 8% महंगाई भत्ते की वृद्धि तथा जुलाई 2020 से जनवरी 2021 के वार्षिक वेतन वृद्धि के एरियर की 50% राशि का भुगतान किया जाए। एई रंजीत सिंह भदौरिया ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन नए कर्मचारियों को डीए देने की घोषणा की है, मगर विद्युत कंपनियां डीए देने से साफ इनकार कर दिया। हम सब एकजुट होकर जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम कार्य का बहिष्कार करेंगे और आज भी हमने कार्य बंद कर दिया है। दीपावली के त्यौहार को देखते हुए आम जनता को परेशानी न हो इसलिए सरकार को चाहिए कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मैं रंजीत सिंह भदौरिया जी। आप कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आओ, क्या कुछ मामला है? मामला यह है कि मध्य प्रदेश शासन ने सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए डीए के लिए भुगतान करने के आदेश कर दिए हैं, लेकिन उसमें आदेश है कि सभी प्रकार की कंपनियां, सभी प्रकार के सार्वजनिक उपक्रम मंडल, जो भी शासकीय कर्मचारी इनके अंतर्गत आते हैं, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आते हैं, उन सभी को डीए दिया जाएगा, लेकिन विद्युत कंपनियों ने ये देने से मना कर दिया है। इसलिए आज हम सब लोग हड़ताल पर हैं। क्या मांग रखी है? सभी यही डीए दिया जाए। जब मध्य प्रदेश शासन ने घोषणा की है तो उसके अनुरूप हम लोगों को भी दिया जाए। आपकी डिमांड अगर पूरी नहीं होती क्या करोगे? हम लोग कंप्रेसी काम बंद पे हैं, आज कार्य बहिष्कार में ही है, आज से शुरू है कार्य बहिष्कार और यही आगे तक चलेगा जब तक नहीं करेंगे। तो आपने अभी आवेदन दिया, क्या आश्वासन दिया? ये तो केवल ज्ञापन दे सकते हैं ऊपर, बाकी तो जो भी है वो पूरी ऊपरी लेवल तक सभी पूरे मध्य प्रदेश में ये कार्य बहिष्कार की घोषणा है, सभी लोग कार्य नहीं कर रहे हैं, सभी कार्यालय बंद हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।